स्टूडेंट्स हमने पेड टी टेस्ट का के ऊपर बात कर ली कि इसकी जोशनस क्या हैं इसकी वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है और एस पी एस एस में इसके प्रोसीजर को हम कैसे परफॉर्म करते हैं अब हम इसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं एस पी एस एस सॉफ्टवेयर में ताकि आपके लिए ये और ईज़ी हो जाए इसको समझना तो आइए चलते हैं इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक डाटा सेट ओपन है जिसमें दो ही वेरिएबल्स हैं ई पी वन और ई पी टू के नाम से एक्चुअली ये एक ही वेरिएबल की दो रीडिंग्स हैं इम्प्लॉज़ परफॉर्मेंस वन और इम्प्लायज़ परफॉर्मेंस टू तो इसमें जो ई पी वन है ये जो रीडिंग है एम्प्लॉज़ परफॉर्मेंस की ये एक वर्कशॉप कंडक्ट करने से पहले की है एक रिफ्रेशर कोर्स की वर्कशॉप और ई पी टू जो है वो रिफ्रेशर कोर्स के कंडक्ट होने के बाद का स्कोर है तो हम मेरे पास ये जो डेटा ये 66 सिक्स एम्प्लॉयज़ का है तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो कंपनी ने आ, जो वर्कशॉप कंडक्ट की एक रिफ्रेशर कोर्स कंडक्ट किया उसका कि बाद क्या कोई सिग्निफिकेंटली मीन डिफरेंस आया है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि नहीं आया तो उसके लिए हम एनालाइज में जाएंगे कंपेयर मीन्स में जाएंगे और पेयड सैम्पल टी टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे इसको हम रीसेट कर लेते हैं ई पी वन को आप रखेंगे वेरिएबल वन में और ई पी टू को आप रखेंगे वेरिएबल टू में ऑप्शन में आप नाइन्टी फाइव परसेंट ऑप के साथ ही इसको कंडक्ट करेंगे और ओके okay करेंगे पहला टेबल जो है वो मीन डिफ्रेंसेस को शो कर रहा है कि जो एवरेज स्कोर था आ, बिफोर द वर्कशॉप वो सेवनटीन पॉइंट थर्टीन था जबकि आफ्टर द वर्कशॉप जो एम्प्लॉयज़ का एवरेज स्कोर आया है वो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव फोर आया तो ये अपेरेंटली uh, तो लग रहा है कि एक सिग्निफिकेंट चेंज है मगर क्या ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस भी है कि नहीं है uh, तो इसके लिए हम ये पेड सैम्पल टी टेस्ट कंडक्ट करते हैं मगर पेड सैम्पल टी टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले आपने ये भी देखना है कि इन दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशन ना हो यानी ये ऑटो को रिलेट ना हो रहे हो तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी पी वैल्यू है ये पॉइंट ज़ीरो फाइव थ्री है इट्स ग्रेटर देन पॉइंट जीरो फाइव तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है कि देर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द बोथ ऑब्जर्वेशन जो कि नहीं होनी चाहिए आ, इनके के दरमियान को रिलेशन नहीं होनी चाहिए तो ये हमारा हम, जो डेटा है इस एजम्शन को भी फुलफिल कर रहा है तो अब यहाँ पर जो मीन डिफरेंस है ई पी वन माइनस ई पी टू तो ये एट पॉइंट फोर जीरो है और ये एक सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस है और अगर ये इसकी हम टी वैल्यू देखें तो ये पॉइंट नाइन माइनस नाइन पॉइंट फोर नाइन वन है टी वैल्यू कैसे कंप्यूट होती है मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड एरर है अगर उसको हम जो है जो मीन डिफरेंस है उसमें से मीन डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टी वैल्यू आ जाती है तो ये जो टी वैल्यू है इसकी जो पी वैल्यू आई है वो पॉइंट जीरो 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 है विच इज शोइंग दैट के इट्स लेसर देन आवर अल्फा वैल्यू for this test which was 0 0.05. So, in that situation we are going to accept the alternate hypothesis and going to reject uh, a null hypothesis. Uh, it means that uh, refresher course has a significant effect on the employer's performance because there is a statistically significant mean difference in both readings of the employer's performance. तो ये हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में इस टेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया तो जब आपके पास दो रीडिंग्स हो और आप उनको कंपेयर करना चाहते हों तो आप पेड सैम्पल टी टेस्ट लगा सकते हैं